इस वक्त ना बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, ऐसा समझिए जैसे कि पूरी दुनिया बदलने वाली है। इसके बाद रूस ने अपने संसद में एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव के तहत CTBT से रूस बाहर हो गया। और अपने आप को बाहर निकालते ही जहां CTBT से रूस इधर बाहर हुआ है, उधर अमेरिका में जमीन के नीचे एक बड़ा धमाका हुआ है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान ये कह रहा है कि जल्द ही भारत हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने वाला है। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, अचानक से क्या क्या चीजें चलने लगी है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, रूस ने अपने संसद में एक प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव के तहत रूस ने CTBT से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब ये CTBT है क्या, तो आपको बता दें, CTBT कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके तहत कुछ देशों ने 181 इन देशों ने ये तय किया था कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। इसमें रूस भी शामिल था, अमेरिका भी शामिल था। यहाँ रूस ने कहा कि जी नहीं, हम अब इसे नहीं मानेंगे। और इनकी संसद ने एक बड़ी बैठक बुलाई, इस बैठक के तहत इन्होंने इस ट्रीटी से अपने आप को बाहर निकाल लिया। और जो वोट पड़ा है, अगर आप वोट देखेंगे अभी, हालांकि ये लोअर हाउस में है, फिर अपर हाउस में भी इसे पास कराया जाएगा, जो माना जा रहा है कि संभवतः पास ही हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, पार्लियामेंट के लोअर हाउस में 412 वोट पड़े हैं, जबकि 0 अगेंस्ट में वोट पड़े हैं, और एक भी सांसद संसद छोड़ के नहीं गया है। मतलब इनका दिमाग अच्छी तरीके से, हर सांसद का ड्यूमा का मेकअप है कि हमें इस न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से बाहर आना है। वैसे आपको बता दें, ये ट्रीटी भी ना गजब की रही है। इस ट्रीटी में भारत पाकिस्तान शामिल नहीं है। दूसरी बात, इस ट्रीटी में दो तरह की चीजें हुई हैं। अमेरिका शामिल तो है, लेकिन अमेरिका की संसद में इस ट्रीटी को मान्यता नहीं है, यानी मोहर नहीं लगी है। रूस शामिल है और रूस की संसद में मोहर लगी हुई है, मतलब वही देश इसमें मान्य है जिस देश के संसद ने भी मोहर लगाई है। अब रूस हमेशा अमेरिका को ये कहता है कि आपने तो अपने यहाँ इससे समर्थन दिया ही नहीं है, CTBT साइन कर लिया लेकिन इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इससे बाहर निकल रहे हैं। अब इधर रूस बाहर निकलता है, अभी लोअर हाउस में ही ये बिल पास होता है, उधर एक धमाका सुनने को मिलता है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, ये धमाका कहाँ हो रहा है, तो एक साइट है, नेवादा टेस्ट साइट, ये अमेरिका की साइट है, इसके जमीन के नीचे एक धमाका हुआ। और इस धमाका के बाद ये कहा जाने लगा कि अमेरिका ने, ऐसा लगता है जैसे कि एक परमाणु परीक्षण किया है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये खबर निकल कर आ रही है। हालांकि रशिया के एक एक्सपर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये कोई परमाणु परीक्षण नहीं था, ये एक डिवाइस का परीक्षण किया है अमेरिका ने, जिसके तहत अमेरिका को पता चल जाएगा कि कौन सा देश परमाणु परीक्षण कर रहा है और कौन सा देश परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने ऐसा कुछ भी परीक्षण नहीं किया है, हमने सिर्फ एक डिवाइस का परीक्षण किया है जो ये पता कर सके कि हाँ, यहाँ पर न्यूक्लियर परीक्षण किया गया है या नहीं किया गया है। अब जैसे ही CTBT के जाने की खबर आती है, वैसे ही आर्टिकल देख सकते हैं, ये कहा जाने लगा कि भारत और पाकिस्तान में अब रेस लगने वाली है। भारत और पाकिस्तान अब एक के बाद एक परमाणु परीक्षण करेंगे, क्योंकि जब दो बड़े बड़े देश अमेरिका और रूस दोनों ही CTBT को नहीं मान रहे हैं और परीक्षण पर परीक्षण किए जा रहे हैं, तो इन छोटे देशों को भी अब होड़ लग जाएगी। इसी बीच में एक खबर आती है, ट्रिब्यून की ये खबर है। ट्रिब्यून के जो ये लेखक है शेर अली कक्कर, इसका कहना है कि अमेरिका और भारत मिले हुए हैं और अमेरिका भारत को बहुत सारे छूट दे रहा है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने कहा कि देखो, जब भारत ने S-400 खरीदा रूस से, तो फिर अमेरिका ने नरमी दिखाई। अमेरिका ने भारत के ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जिसे हम कह सकें कि ये कठोर एक्शन है। उसके बाद इन्होंने कहा कि काट्सा प्रतिबंध भी भारत के ऊपर नहीं लगे। कहीं ना कहीं
अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है। इनका कहना है कि सिप्री की रिपोर्ट ये बोलती है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज भी बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका की देखरेख के अंदर। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका सा कर दिया और इन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत मजबूत बने, इसलिए चाहता है क्योंकि चाइना को हैंडल करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए, इसलिए अमेरिका भारत कुछ भी कर रहा है उसको आंख बंद करके देख रहा है। अमेरिका के पास बहुत सारा पावर है, पॉलिटिकल पावर है और डिफेंस का भी पावर है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जरूर आगे बढ़ेगा, ये इनका कहना है। अब इसके बाद इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि अब देखना हो सकता है भारत हाइड्रोजन बम का परीक्षण करे। अब ये हाइड्रोजन बम होता क्या है तो आपको बता दें, जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था बम ना, एटॉमिक बम, उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली एक ऐसा बम जिसमें एक बार रिएक्शन शुरू होता है तो ये चेन रिएक्शन में बदल जाता है, पूरे के पूरे शहर को समाप्त कर सकता है अगर ऐसे बम को फोड़ा गया तो। हाइड्रोजन बम के बारे में इन्होंने कहा कि भारत ऐसा कर सकता है, स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने समर्थन में क्या कहा कि देखो, द इंडियन एक्सप्रेस में अक्टूबर 31 2022 को एस्ले टेलीज, ये इंडियन ओरिजिन के एक शख्स हैं जो अमेरिका में हैं और सीनियर फेलो हैं इंटरनेशनल पीस संस्था में, इनकी एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भारत एक परीक्षण कर सकता है और ये परीक्षण एक थर्मो न्यूक्लियर वीपन का हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा था कि भारत को अमेरिका सजा नहीं देगा, इसलिए नहीं सजा देगा कि अमेरिका में कहीं न कहीं ये पक्ष में रहेगा, क्यों, क्योंकि चाइना को अगर हैंडल करना है तो अमेरिका को भारत का साथ चाहिए और भारत के पास ऐसे बम होने चाहिए। खैर, भारत के पास न तो ऐसे बम है और आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी कहा भी नहीं है कि इस तरीके के किसी बम पर भारत काम कर रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कह भी रहा है, पर हाँ एक बात जरूर है कि यहाँ एक रेस लग जाएगी CTBT और इस तरीके से CTBT से बाहर निकलने से रूस से, और इस तरीके से रूस और US अगर करने लगेंगे तो बाकी देशों में रेस जरूर बढ़ेगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।